मुसलमान भाई बहनों को रमज़ान ईद मुबारक। तेलंगाना सरकार के तरफ पहला जुम्मे के दिन जिम्मेदारी लेके इफ्तार देने के लिए हम सरकार तय किए। इस मौके पे हैदराबाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमआईएम सदर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का जी, हमारे भाई मोहम्मद अली शबीर जी, मंत्रियाँ, बाकी के एमएलएस, चेयरमैन्स, साथियों, पूरे परिवार को मैं ईद मुबारक बोलना चाहता हूँ। ये ईद रमज़ान महीना बहुत बरकत महीना। आप लोगों को मालूम है हम जिम्मेदारी लिए सेक्युलर सरकार चलाने के लिए। कांग्रेस सरकार में क्रिश्चियन माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, हिंदू सबको साथ में लेकर हम आगे लेकर जाएंगे। जब जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थे, माइनॉरिटी के लिए हम 4% रिजर्वेशन दिए और कॉरपोरेशन से लोन्स भी दिए। अब इस बार भी माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रोग्राम्स लेकर आएंगे। हम लोग पिछले जो भी अपॉइंटमेंट्स किए एडिशनल एडवोकेट जनरल में, पिछले 60-70 साल में कभी माइनॉरिटी को दिए, इस बार कांग्रेस पार्टी ने एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाए। सीएम पेशी में जिस दिन डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी जी था, जन्नत हुसैन जी ऑफिसर थे, आज शहनवाज कासिम सीएम पेशी में है। सरकार के एडवाइज़र बनाए तो शब्बीर अली जी को बनाए। पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आपको रिप्रेजेंटेशन दिए। अभी मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब से ये बात कहा, जो तेलंगाना में यूनिवर्सिटीज़ है, एक यूनिवर्सिटी को ज़रूर माइनॉरिटी वाइस चांसलर बनाने के लिए मैं बात दिया हूँ। आप लोगों से मैं साफ कहना चाहता हूँ, जहाँ पर भी मौका मिले माइनॉरिटी भाइयों का हिस्सा मिल जाएंगे। परसों आप देखें चंद्रयान गुट्टा में मेट्रो रेल के लिए, ये ओल्ड सिटी बोले तो मैं बोला ये ओल्ड सिटी नहीं है, ये ओरिजिनल सिटी है। ओरिजिनल सिटी को हम लोग मेट्रो रेल देने के लिए वादा किए। जो भी डबल बेडरूम घर देने वाले आने वाले दिनों में, कॉरपोरेशन से लोन देने वाले हैं, सब सारे माइनॉरिटी भाइयों का हिस्सा, आपके हिस्सा आपको बराबर मिल जाएंगे, आपके घर पे मिल जाएंगे। आके पूछने का, दरखास्त रखने का कोई ज़रूरी नहीं है। और परसों में देखा, पिछले बार भी छवल्ला में और परसों भी अमित शाह जी ने ये कह रहा है कि मुसलमानों को जो कांग्रेस पार्टी 4% रिजर्वेशन दिया था, भारतीय जनता पार्टी निकालने वाले हैं। मैं साफ अमित शाह जी से कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस के अड्डा है, 4% रिजर्वेशन निकालने का हिम्मत ना नरेंद्र मोदी जी से या नहीं है तो अमित शाह जी से नहीं हो जाएंगे। हम खड़े रहकर सुप्रीम कोर्ट में अच्छा अच्छा वकीलों को लगा के हम लड़के, 4% रिजर्वेशन दिया हुआ है कांग्रेस पार्टी ने, उसको बचाने का भी जिम्मेदारी हमारी है। इसीलिए मैं रमज़ान जो महीना है बरकत के महीना है, आने वाले दिनों में हम अच्छा प्रोग्राम्स लेकर आगे आएंगे। आप लोगों को पता है अगर कांग्रेस ऐसे सरकार की तरफ से इतना अच्छा प्रोग्राम लिए तो एमआईएम के सब सारे नेतागण यहाँ पर मौजूद हुए, इसका मतलब हमारे सरकार सर्कुलर सरकार है, सबको साथ में लेकर आगे चलाने वाले हैं। आप लोगों के दुआ रहना, इस महीने में हम जो भी मांगेंगे अल्लाह मियां से सब मिल जाएंगे। आप सब लोग 4 करोड़ तेलंगाना जनता के लिए दुआ मांगो। तेलंगाना सरकार, तेलंगाना तरक्की करना है, दुनिया में सबसे आगे जाने के लिए आपके मदद बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को साथ में लेकर, हिंदू मुसलमान मेरे लिए दो आंखें हैं, एक आंख नहीं है तो कोई भी सही तरीका से नहीं चल सकते। इसीलिए इस हिंदू मुसलमान भाइयों को साथ में लेकर चलाए तो ही ये सरकार सेक्युलर सरकार बनेंगे।
तेलंगाना तरक्की करेंगे और हैदराबाद शहर को डेवलपमेंट करने का जिम्मेदारी हमारी है। जो रूरल एरिया में है, आज के दिन हम जितने भी चेयरमैन बनाए यहीं पर है। आप लोगों को मालूम है अजमतुल्ला साहब को हम वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनाए और हमारे भाइयों को चार चार चेयरमैन दिए, चार के चार अभी मंच पे बैठा हुआ है। इसका मतलब हम कभी भी कुछ डिसीजन लिए तो हर बार हम सोचते भाई हिंदू के साथ साथ मुसलमान भाइयों का हिस्सा भी उन लोगों को बराबर देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और मैं साफ कह रहा हूँ 4% रिजर्वेशन के लिए माइनॉरिटी टीम्स को स्कूल्स के अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स बनाने के लिए हम फंड्स भी रिलीज कर दिए और एजुकेशन के लिए आपको जो जरूरी है हर गरीब को एजुकेशन में हम लोग माइनॉरिटी टीम्स में अच्छे का सुझाव लेकर हम आगे जाएंगे। नौकरियों में भी नोटिफिकेशन देते जा रहे हैं, इसी एलपी स्टेडियम में हमारा नौकरियों का जो बच्चों को दिलाए और यहीं हमारा सरकार बने। एलपी स्टेडियम का मतलब यहाँ पर जो भी होते वो पत्थर के लकीर है। जिस दिन December 7th को हमारे सरकार बने यहीं बनाए, आज भी रमजान ये त्यौहार भी यहीं बना रहे। ये हमारे लिए एलपी स्टेडियम बहुत कीमती की जगह है। आप लोगों को सबसे मिलकर हम बहुत खुशी हो गए। पहले जुम्मा में रमजान ईद हम बना रहे, सबको और एक बार मैं ईद मुबारक देते हुए यही खत्म करता हूँ मेरा दो शब्द। धन्यवाद मित्रों, बेहद शुक्रिया अली जनाब रेवंत रेड्डी साहब, आपने मुसम्मम भरी तकरीर से हमें नवाज रहे थे। हमारी अल्लाह से दुआ है कि आपको अपने इरादों में कामयाब करे और इस शहर को एक मिसाली शहर बना दे, इस रियासत को एक मिसाली रियासत बना दे। गोल्ड लाइन डेवलपर्स लाए हैं एक और शानदार पेशकश। शादनगर के बाद अब सोलीपेट में जबरदस्त वेंचर की शुरुआत। नए साल के सुनहरे मौके पर लेक व्यू फार्म्स में दस्तियाब है 121 गज के शानदार प्लॉट्स, जहां पी गज की कीमत महज 5,999 रुपए ही है। यानी सुनहरा मौका भी और आपके सरमाया का सही मुकाम भी। 100% क्लियर टाइटल, पासबुक, राइट बंधु की रकम वाली जमीन, खुरबोजवार में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर रिंग रोड, दीगर बेहतर सहूलियात दस्तियाब। आज ही साइट विजिट कीजिए और अपने सुनहरे मुस्तकबिल का फैसला लीजिए, क्योंकि सही वक्त पर सही फैसले में ही समझदारी है।